ठीक है, ये प्रोजेक्ट को मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ पर। स्टार्ट देखते हैं हमने लास्ट टाइम जो है कितना अचीव किया था वो हम देख लेते हैं। सॉफ्टवेयर से ओपन कर देता हूँ, गेट स्टार्टेड में गए, गिटहब पर मैं अमेज़न डेवलपमेंट पर गया। अच्छा, इसमें जब आप लेआउट बनाते हैं ना तो आप विंडो को थोड़ा सा यहाँ से रिसाइज करना, और यहां से आप रिसाइज कर करके देखना है कि आपके केस में लेआउट, देखो इसमें पूरा रिस्पॉन्सिव चल रहा है ना, रिस्पॉन्सिव चल रहा है, किस तरीके से चीजें ये स्क्वैश हो रही हैं, ये सारी चीजें अपने को ऑब्जर्व करना है। हमारे इसमें कहाँ कहाँ दिक्कत आ रही है वो भी हमें देखना पड़ेगा। ये देखो जैसे मैं स्क्रॉल कर रहा हूं तो ये वाला जो है ना ये नीचे की ओर जा रहा है क्योंकि वो ग्रिड बनी हुई है, तो ये सारी चीजें हमें फिक्स करनी पड़ेगी। ये देखिए इतना स्क्रॉल करने पर जो है ये भी आ रहा है और ये एलिमेंट भी आ रहे हैं, तो इनके स्लाइडर देखिए न्यू रिलीज तक आ रहा है और जैसे ही मैं करूंगा तो वो वाले गायब हो रहे हैं ना, कंप्यूटर और अमेज़न गायब हो रहे हैं है ना। तो ये भी हम इसको कर सकते हैं बेसिकली। अब हमारे इसमें देखो ये हमारे इसमें क्या हुआ, गायब नहीं हुआ, ठीक है। ये देखो ये अमेज़न कंप्यूटर्स ये वाले मेन्यूज जो है हमें गायब करने पड़ेंगे। सो ये रिस्पॉन्सिव का काम हम धीरे धीरे इसको हम देखते हैं, ठीक है। और ये वाला लेआउट्स देख लेते हैं कि इनमें क्या है, इसमें भी इस तरीके से ये देखो ये यहाँ तक अचीव कर रहा है और ये हमारे फ्लेक्सिबल हो रहे हैं, तो इसको हम देखेंगे। अब आज आज फिर लेआउट थोड़ा चेंज हुआ है, बट ओवरऑल जो है जैसे ये वाला पार्ट जो है कल आई थिंक ये रेफ्रिजरेटर वॉशिंग मशीन वाला पार्ट ये यहाँ आ रहा था, अब ये यहाँ आ रहा है, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। वो तो क्या है आई थिंक ये रिफ्रेश करो, ये रिफ्रेश करने पर अभी भी अगर यही आ रहा है, अभी भी यहीं पर आ रहा है, तो लॉजिक ये है कि जिस दिन हर दिन इनका लेआउट ये सफल होगा, जैसे आज डेट मान लीजिए अगर 22 है तो 22 को जो है इनका जो पोजीशनिंग है इनका सफल का पोजीशनिंग वो फिक्स है, फिर 23 को हो सकता है ये वाला यहाँ पर आपको दिखाई दे और ये वाला आपको यहाँ दिखाई दे, तो डिपेंड करेगा, मगर उस दिन के लिए जो पोजीशन है लेआउट की वो फिक्स हो जाएगी। तो ऐसा लॉजिक हम भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पर हम देखें अब ये डी वाले ब्लॉक में यहाँ पर एक साइन इन द बेस्ट एक्सपीरियंस साइन इन सिक्योरली लिखा हुआ है, तो डी वाला ब्लॉक भी हम वर्क कर सकते हैं, तो ये डी वाला ब्लॉक फटाफट हम बना लेते हैं। ये डी वाले ब्लॉक के अंदर जो है बेसिकली ये वाला ये डी वाला जो ब्लॉक है इसके अंदर हमें काम करना है, ठीक है। तो डी वाले ब्लॉक में आप देख लो कि आपके है ना इस तरीके से स्टैक करके दो ग्रिड आ रही हैं, तो ये कॉलम है और आप चाहें तो इस कॉलम के अंदर मैं इसकी बात कर रहा हूं, इस वाले कॉलम की बात कर रहे हैं,
कॉलम के अंदर वापिस से फिर कॉलम्स हैं, तो आपको करना क्या होगा, ये बाहर वाला कॉलम तो आपने ऑलरेडी ले रखा है, अब इसके अंदर आप क्या करें, अंदर एक रो लेवे और उसके अंदर फिर दो कॉलम लेना है आपको, ठीक है, दो कॉलम आप अंदर लीजिएगा। सो मैं आपको रूल बता दूं, कॉलम के अंदर जैसे आप अभी यहां पर हैं, कॉलम है, तो कॉलम के अंदर डायरेक्ट कॉलम नहीं ले सकते हैं, कॉलम और रो का रिलेशन चाइल्ड पेरेंट का रिलेशन है, अगर कॉलम है तो रो भी होगा। सो ये देखिए, ये यहाँ पर कॉलम है तो इसके पेरेंट को अगर मैं जाऊं, ये जहां पर भी इसका पेरेंट होगा तो रो मिल जाएगा आपको, ये रहा रो, है ना। तो अगर अब मुझे कॉलम के अंदर अगर कॉलम लेना है, तो कॉलम के अंदर पहले आपको पेरेंट लेना पड़ेगा, जो कि आपका कौन है, रो है। सो यहाँ पर मैं गया, क्लास नेम मैंने लिखा, पहला तो मैं लूंगा रो, और अगेन फिर रो के अंदर हम क्या ले सकते हैं, कॉलम ले सकते हैं। सो कॉलम के अंदर कॉलम कब ले सकते हैं, तो कॉलम के अंदर कॉलम हम तब ले सकते हैं जब कॉलम के अंदर हम पहले रो लेंगे ना फिर कॉलम लेंगे, तो इससे क्या होगा, चाइल्ड और पेरेंट का रिलेशनशिप यहाँ पर स्टेब्लिश रहेगा। सो यहाँ पर जो है मैंने इसको दे दिया, मुझे 100% करना है तो पॉल 12 दे दूंगा यहाँ पर, क्योंकि देखिए ना ये यहां से लेके यहां तक फुल जाएगा, इसलिए ये 12 कॉलम। आप कभी भी ये मत समझना कि 12 कॉलम यहां से लेके यहां तक होता है, आप जिस बॉक्स के अंदर काम कर रहे हो उसको भी आप एज अ 12 कंसिडर करो, अगर उसको फुल विड्थ तक पहुंचाना है तो उसके लिए भी आप अंदर क्या दे सकते हो, 12 दे सकते हो, तो ऐसे करना है। तो मैं ये फर्स्ट कॉलम यहाँ से स्टार्ट होगा, 12th कॉलम यहाँ खत्म होगा, तो ये 12 कॉलम ये पूरी विड्थ से ले लेगा इसकी। सो ये देखो, ये यहाँ पर मैंने 12 कॉलम लिखा, और यहाँ पर भी मैं क्या करूँ, पेस्ट करूं, इसको मैंने बोल दिया ए और इसको मैंने बोल दिया बी, और अभी के लिए टेस्टिंग के लिए मैं TBDR दे दूं, और यहां से भी मैं TBDR दे दूं, सेव करूं और देखते हैं क्या हो रहा है, और देखते हैं क्या होता है। सो सेव किया, और आप देखिए कि यहाँ पर ये 100% इसकी विड्थ हो गई है। आप चाहें तो इनको कलर भी दे दें, जैसे मैंने BG- प्राइमरी दिया, BG- प्राइमरी से ब्लू कलर आ जाएगा एक का, तो है ना, ये देखो ये ब्लू कलर आ गया है, और दूसरे का मैं दे देता हूँ BG- वार्निंग, है ना, तो वार्निंग से क्या होगा, हमारा थोड़ा सा ऑरेंज या येलो कलर का आ जाएगा, तो ये देखिए दो कलर आ गए। अब ये जो है इसका हाइट हमें कितना लेना है, तो वो हाइट हमें शायद ये बता सकता है कौन, ये मार्केट टूल बता सकता है कि लगभग ये पहले वाले का तो 150 पिक्सल लेना है, तो पहले वाले का 150 पिक्सल हम ले लेते हैं। तो आप चाहें तो यहीं से आप इनलाइन स्टाइल भी लिख सकते हैं, तो जब भी आप रिएक्ट के अंदर इनलाइन स्टाइल लिखेंगे तब आपको स्टाइल इक्वल टू डबल कर्ली ब्रेसेस लगाने पड़ेंगे, अगर आपको एलिमेंट के अंदर ही अगर स्टाइल CSS लिखना है तो रिएक्ट के अंदर आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, और यहाँ पर जो है आपको क्या लिखना है, हाइट लिखना है, और वो भी किसमें, स्ट्रिंग में, HEIGHT, और यहाँ पर मैंने वैल्यू दिया, और यहाँ वाइट 150 दिया, और यहाँ पर जो मुझे जो है वो कंकैटिनेट करना पड़ेगा मेरी यूनिट पिक्सल, ऐसे देना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। तो ये प्रॉपर्टी कॉलन वैल्यू ये हुआ, सेव किया और मैंने आउटपुट देखा, तो ये देखिए ये 150 की हाइट आ रही है कि नहीं आ रही है, आ रही है। अब दूसरे का हाइट आप पता कर लो, तो मैं वापस से इस मार्कर टूल को सिलेक्ट किया हुआ ही है, यहाँ से जाऊंगा और यहाँ तक मैं सिलेक्ट कर लूंगा, तो यार आ रहा है 248, 248 मतलब लगभग 250, तो ये 250 की मैं इसको भी दे दूंगा, इसी लाइन को आप कॉपी करें डबल कर्ली ब्रेसेस वाली, और यहाँ जाके आप पेस्ट करें, और इसको अब मैं 1 से कर दूंगा 2, है ना, 250 पिक्सल का ये बी का हाइट हो जाएगा, ये यहाँ से मैंने बी का हाइट दे दिया। तो एक टास्क को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसे करना है। अब हमें देखना है कि इस ब्लू वाले कॉलम और येलो वाले कॉलम के बीच में गैप आ रहा है, तो ये गैप मैं इस गैप की बात कर रहा हूँ, तो ये गैप लगभग कितने का आ रहा है, तो ये लगभग जो है 20 पिक्सल का आ रहा है, 19 आ रहा है, तो आप इसको 20 मान के चलो। तो इसको हम कैसे दे सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं, तो इस कॉलम को मैं क्या दे दूं, मार्जिन बॉटम 1, MB1 मतलब मार्जिन बॉटम 1 पिक्सल का मार्जिन आ जाएगा, 1 EM का मार्जिन आएगा, एंड 1 EM इज इक्वल टू 4 पिक्सल, है ना। सो मुझे लगता है कि 4 3 12 लगभग 12 पिक्सल का मार्जिन आ जाएगा यहाँ पर अभी के केस में। सो ये देखिए अभी ये जो गैप आ रहा है ना, ये लगभग 12 का होगा, है ना, क्योंकि मैंने MB3 दे रखा है, और 16 12 तो नहीं आ रहा है, 12 से ज्यादा ही आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, है ना, ऑलमोस्ट हमारा काम हो रहा है ना, ये देखो ऑलमोस्ट हमारा काम हो रहा है, तो ठीक है। आप चाहें तो एक वैल्यू और जस्ट बढ़ा के देखो, तो मैं दे देता हूँ 4,
और फोर में देखना, अगर ये इस लाइन से बाहर निकल जाए तो फिर उसको मत लेना। ऑलमोस्ट बाहर निकल रहा है, ऑलमोस्ट बाहर निकल रहा है तो, मगर गैप बिल्कुल सही आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको 150 250 की जगह 248 ले लेते हैं ना, 2 पिक्सल उधर से उसकी हाइट कम कर देते हैं। सो ये रिफ्रेश किया मैंने और ये देखिए एग्जैक्टली आ गया है ना, और गैप भी एग्जैक्टली उतना ही आ गया जितना कि इधर दे रखा है ना। सो ऑलमोस्ट आ रहा है, तो परफेक्ट इस तरीके से हमारा इसका तो ब्लॉकिंग हुआ। और उसके बाद अगेन ये वाला आप देखिए कि इनका स्ट्रक्चर भी वैसा ही कुछ आ रहा है। सो साइन इन, और ये वाला हमें लेना है तो आप यहाँ पर डायरेक्टली भी ले सकते हो। तो पहला तो आपको क्या लेना है, साइन इन फॉर योर बेस्ट एक्सपीरियंस। तो यहाँ पर तो ये क्या है, हेडिंग है, तो मैं हेडिंग ले लेता हूँ। मैंने लिखा साइन इन फॉर योर बेस्ट एक्सपीरियंस। साइन इन फॉर योर बेस्ट एक्सपीरियंस मैंने लिखा एंड देन सेव किया। देखो इतना बड़ा आ रहा है और मुझे साइज जो है इससे छोटी चाहिए, इसलिए आप इसको बेटर है कि H4 या H5 में लिखें। मैं अभी शायद इसको H5 में लिख लेता हूँ ताकि साइज हमें थोड़ी छोटी मिल जाए, ठीक है ना। साइज और टाइपोग्राफी बहुत मैटर करता है। साइन इन फॉर योर बेस्ट एक्सपीरियंस H5 से काम नहीं होगा क्योंकि सेकंड लाइन तक जा रहा है, इसलिए मैं यहाँ पर क्या ले लूंगा, H4 ले लूंगा। हेडिंग 4 एलिमेंट हमें लेना है। हेडिंग 4 एलिमेंट हमने लिया है यहाँ पर, ये देखिए परफेक्ट आ रहा है। अब हमें सिर्फ क्या चाहिए, एक बटन चाहिए, येलो कलर का बटन चाहिए, तो वो आप ले सकते हो। चाहे आप बटन लेवे चाहे आप एंकर लेवे, एक ही बात है, दोनों में से कोई सा भी यूज कर सकते हैं। सो मैंने लिखा साइन इन सिक्योर सिक्योरली, साइन इन सिक्योरली मैंने लिखा। और यहाँ पर जाके बूटस्ट्रैप की हम क्लासेस दे देते हैं। सो सबसे पहले क्लास नेम लिखना है, पहली क्लास BTN, BTN डैश, वार्निंग आपको देनी है, और विड्थ आप क्या दे देवे, 100% दे देवे। तो देखते हैं क्या हो रहा है, ये देखें ये परफेक्ट आ रहा है। और ये यहाँ पर इसका देखो कि इसका जो इसकी कॉर्नर्स हैं वो हल्की सी राउंड है, और इसकी जो राउंड है वो ज्यादा राउंड आ रहा है। सो यहाँ पर बूटस्ट्रैप के अंदर एक क्लासेस होती है, राउंडेड डैश 0 से चलते हैं। राउंडेड डैश 0 से कहाँ तक होता है, 3 या 4 तक होता है। तो देखते हैं, 0 में बिल्कुल कुछ नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर मैं जाके राउंडेड को सर्च कर लूँ। राउंडेड राउंडेड डैश 0 को मैं सर्च करूँ और आई थिंक नेट कनेक्टेड है और ये राउंडेड बता देगा यहाँ से। तो यहाँ पर आपको बॉर्डर रेडियस पे मैं जाके बताता हूँ, आपको लिखना है बॉर्डर रेडियस, लिखना है आपको यहाँ पर, और ये सर्च करके बॉर्डर रेडियस का बताएगा बेसिकली। सो ये बॉर्डर रेडियस पे मैं गया, ठीक है, ये सर्च हो रहा है, तब तक मैं वैल्यूज को चेंज करके बताऊं। देखो राउंडेड वन में क्या होगा, राउंडेड वन में जो है हल्का सा राउंड होगा, ये देखो हल्का सा राउंड हुआ है ना, हल्का सा राउंड ही हमें चाहिए था क्योंकि बाय डिफॉल्ट बटन लेते हैं ना तो उसमें ज्यादा कर्व होता है। हमें कर्व को देखो, डिजाइनिंग इज ऑल अबाउट ऑब्जर्वेशन, डिजाइनिंग सिर्फ ऑब्जर्वेशन और प्रिसाइसली एक्यूरेसी के साथ काम करने वाला ही टेक्निक है। जब आप डिजाइन कर रहे हो तब आपको डिजाइनिंग में आपको एक्यूरेसी लानी है ना, परफेक्शन लानी है, क्योंकि वो परफेक्शन आपकी आ गई तो डेफिनेटली फिर बाद में आपको दिक्कत नहीं आएगी। सो यहाँ पर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ जैसा दिया है एग्जैक्टली हम वैसा ही बनाएंगे। हर एक छोटी छोटी चीजें जो है हम ऑब्जर्व करेंगे कि उसका वो राउंडेड कॉर्नर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है तो कितना आ रहा है, बहुत ज्यादा है कि बहुत कम है कि बिल्कुल नहीं है। हर एक छोटी छोटी चीजें डिजाइनिंग में हमें ऑब्जर्व करनी पड़ती है। तो यहाँ पर वही मैं कर रहा हूँ कि बेसिकली डिजाइनिंग में ऑब्जर्व कर रहा हूँ और उस हिसाब से हम कर रहे हैं इसको। और यहाँ पर आप देखेंगे कि चारों तरफ से एक बॉर्डर आ रही है और हमारे इसमें बॉर्डर बिल्कुल नहीं है, तो इसमें आप बॉर्डर दे सकते हो। और यहाँ पर जो है ये मैं बॉर्डर पे जाऊं, ठीक है, और यहाँ से मेरे सिस्टम से कनेक्ट करता हूँ और आप देखिए इस टाइप की बॉर्डर, ये ब्लैक टाइप की। आपको बॉर्डर किस टाइप की चाहिए वो भी आप देख लेना। मैं अभी अगर इस टाइप की अगर लेने लेके बताऊं तो आप ये दे सकते हो बॉर्डर, बॉर्डर डैश सेकेंडरी, है ना। कौन कौन सी क्लासेस दे सकते हैं, बॉर्डर, बॉर्डर डैश सेकेंडरी देंगे तो ये इस टाइप की बॉर्डर आ जाएगी, है ना, चारों तरफ से। तो डेफिनेटली हमारे इसमें भी कुछ, मुझे ऐसे ही लग रहा है कि कुछ बॉर्डर है। देख लेते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, देख लेते हैं। तो
देखिए हल्की सी एक बॉर्डर आ रही है, पहले बॉर्डर नहीं थी तो बटन पूरा फ्लैट लग रहा था, मगर बटन इसकी बॉर्डर के आने से क्या हुआ, थोड़ा सा वो डेप्थ लग रहा है, थोड़ा सा रियलिस्टिक लग रहा है। तो ये ऑलमोस्ट मैंने यहाँ पर बॉर्डर दे दिया आपको इस तरीके से, है ना। इनकी रेडीमेड बूटस्ट्रैप की क्लासेस का ज्यादा से ज्यादा यूज करना है आपको, है ना। सो ये हो गया हमारा, ये वाला पार्ट हमारा हो गया है। अब आप देखें कि चारों तरफ से इक्वल जो है वो गैप आ रहा है, चारों तरफ से इक्वल गैप आ रहा है, तो या तो मैं इस कॉलम को बोल दूं, ये जो कॉलम 12 आ रहा है इसको मैं चारों तरफ से बोल दूं कि भैया आपकी जो पैडिंग है वो 3 है चारों तरफ से, मतलब यहाँ लेफ्ट से, राइट से, टॉप से, बॉटम से, सब तरफ से मैं इक्वल दे देता हूँ। तो देखिए मैंने ये इसको, इस कॉलम को, और ये ब्लू वाला जो है ना ये कॉलम है, और ब्लू वाले को देखो ये प्राइमरी को मैंने, ये कौन है, कॉलम है, और उस कॉलम को मैंने दे रखा है P3। P3 का मतलब हो गया पैडिंग 3 हमने दिया है, वो 3 पिक्सल नहीं है, ये 3 यूनिट है जिसे हम REM कहते हैं। सो लगभग 5 पिक्सल के अप्रोक्सीमेटली हो रहा है, 5 × 3 = 15, तो 16 पिक्सल आ रहा है ना, तो एक REM लगभग 5 पिक्सल के बराबर होता है, तो ऐसा आप मान के चल सकते हैं, ठीक है ना। तो मैंने 3 REM दिया, तो देखो पेडिंग लेफ्ट 16, ये अगर मैं इसको चाहूँ तो 0 कर दूँ, ये इस पर डबल क्लिक करो यहाँ पर, और इसको आप 0 कर दो, तो देखो हो नहीं रहा है, नहीं हो रहा है, बट ये आप मान के चलिए पेडिंग लेफ्ट 16 आ रहा है, पेडिंग राइट 16, पेडिंग बॉटम 16, मतलब ये जो इस गैप की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये गैप चारों तरफ से इक्वल इक्वल आ रहा है, तो आपका जो एलिमेंट आपको लग रहा है ना परफेक्ट सेंटर में लग रहा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको पेडिंग देनी है, और ये देखिए ये माई एक्सपीरियंस के बाद ये थोड़ा सा नीचे की ओर पुश कर रहा है हमारा, ये नहीं हो रहा है, तो अगेन आप इसमें क्या कर सकते हो, वो जो आपने H5 ले रखा है, ये H5 ले रखा है, इस H5 पर बाय डिफॉल्ट जो है पैडिंग नहीं आ रहा है, मार्जिन 8 आ रहा है ना, तो मार्जिन 8 आ रहा है, तो मार्जिन कौन सा वाला है, मार्जिन बॉटम किसका, H4 का। तो H4 पर आप जाइए, ये H4 पर गया मैं, यहाँ पर मैंने क्लास नेम लिखा, और यहाँ पर मैं दूंगा क्या, मार्जिन बॉटम MB-2 मैंने दिया। अब मैं देखता हूँ MB-2 लगभग होता कितना है, क्योंकि 1 लगभग 5 पिक्सल के अप्रोक्सीमेटली हो रहा है, तो देखते हैं क्या होता है। आई थिंक 80 आ रहा है, मैं इसको 3 करके देखता हूं और देखते हैं काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो देखिए हाँ उसने नीचे तो खिसकाया है, तो लगभग 3 दे रहा हूं तो 16 पिक्सल आ रहे हैं, तो ऑलमोस्ट वो थोड़ा नीचे की ओर पुश हो जाएगा। अब आप देखिए कि लेआउट परफेक्ट, ये जो गैप है ये यहां पर भी इक्वल आ रहा है, यहां पर भी इक्वल है, यहां पर भी इक्वल है, और ऊपर से भी इक्वल है। डिजाइनिंग में बैलेंस होना जरूरी है, बैलेंस चारों तरफ का जो बैलेंस है वो इक्वल होना चाहिए। कंटेंट कभी भी, जैसे जो भी आप टेक्स्ट लिखते हो, बॉर्डर को टच नहीं होना चाहिए, हमेशा गैप होता है। तो डिजाइन जब आप करें तो बैलेंस का ध्यान रखें, गैप का ध्यान रखें, गैप हमेशा देनी है, और एक रूल ध्यान रखना, कंटेंट कभी भी बॉर्डर के टच नहीं होना चाहिए, हमेशा गैप होना चाहिए। तो ये आपने गैप यहाँ पर दिया, और ये सक्सेसफुली ये मैंने बना दिया है। एक बार बनने के बाद आपने जो टेम्परेरी उनको कलर वलर दे रखे हैं, हो सकता है आपने कोई टेम्परेरी बॉर्डर वाली क्लास दे रखी हो, जो भी आपने दे रखा है, एक बार बन जाए तो जाके आप उसको बाद में हटा सकते हो। सो ये हो गया। अब अभी मैं इसकी क्या कर रहा हूँ कि ये टेम्परेरी बॉर्डर और बीजी प्राइमरी नहीं हटा रहा हूँ, अभी ब्लॉकिंग रहने देते हैं, एक साथ बाद में पूरा लेआउट देख लेते हैं और फिर उसको हम हटाएंगे। अब उसके बाद इसकी अगर हम बात करें तो ये इस टाइप का, अगर मैं इस एलिमेंट को बना दूं तो ऐसे कौन कौन से एलिमेंट है जो इसमें काम हो जाएंगे हमारे। एक इमेज आ रही है, फिर टाइटल आ रहा है, ऐसे एलिमेंट हमें नीचे कहीं और मिल सकते हैं क्या? मैं मैंने रन किया हुआ है और मेरा हॉटस्पॉट डिटेक्ट नहीं हो रहा है अभी। हाँ हो गया, मैं ओप्पो से कनेक्ट कर रहा हूँ, मेरे इसमें कनेक्टेड हो गया है, अब जाके स्पीड मिलेगी। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि अब इन एलिमेंट्स को हमें कैसे करना है, ये ऑलमोस्ट हो रहा है हमारे पास, ठीक है ना। ये देखिए ये भी रिस्पॉन्सिव हो रहे हैं,
मगर हमारे इसमें रिस्पॉन्सिव हो रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें इसके जैसे ही करना है। हमें तो ये देखना है कि अमेजोन के उसमें क्या हो रहा है, कि रिस्पॉन्सिव करने एक हद तक वो रिस्पॉन्सिव होते रहते हैं, और जब वो लिमिट आ जाती है तब वो स्केल होना बंद हो जाते हैं। देखिए यहाँ तक ये स्केल कर रहे हैं कर रहे हैं कर रहे हैं, और एक वैल्यू ऐसी आएगी जब ये स्केलिंग करना बंद कर जाएंगे। ये देखना अभी भी स्केल हो रहे हैं स्केल हो रहे हैं, बस ये वो वैल्यू आ गई, अब स्केल नहीं हो रही है। तो इस केस में क्या कर किया, ये स्क्रॉल वैल्यू आ गया। तो ये कैसे करना है ये भी मैं आपको आगे वाली क्लासेस के अंदर बताऊंगा, बट अभी के लिए तो आप फुल स्क्रीन पर जितना जैसा आ रहा है एग्जैक्टली वैसा अपन बनाएंगे। फिर बाद में दो तीन क्लासेस ऐसी होंगी जो एक दो क्लासेस ऐसी होंगी जो पूरे पेज को टॉप से बॉटम तक स्केलिंग में कहाँ कहाँ कैसे कैसे वेरिएशंस आ रहा है उस चीजों को हम कवर करेंगे। तब तक अभी तो हमें एग्जैक्टली वैसे ही बनाना है कि इस रेजोल्यूशन पर हमारे सेम दोनों का सेम रेजोल्यूशन है, और दोनों के सेम रेजोल्यूशन पर एग्जैक्ट आउटपुट आ पाए। तो ये हो गया हमारा। अब यहाँ पर ये वाला पार्ट हम कर लेते हैं कि इसके अंदर इमेज आ रही है और ये शॉप नाउ है, यहाँ स्पॉन्सर्ड आ रहा है, ठीक है ना। तो ये स्पॉन्सर्ड वाला लिखा हुआ आ रहा है, ये भी लेना जरूरी है क्योंकि हो सकता है बैकएंड में हम स्पॉन्सर्ड वाले प्रोडक्ट्स की एक अलग कैटेगरीज बनाए उस पर हम काम करें, तो ये स्पॉन्सर्ड वाला भी हम बनाना पड़ेगा। यहाँ पर मुझे कहीं ना कहीं स्पॉन्सर्ड यहाँ हम लिखेंगे उसको। सो इसको बना लेते हैं, ये बी वाला ब्लॉक की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। सो बी वाला ब्लॉक कौन है, ये कॉलम है, ठीक है ना। और कॉलम ये कॉलम है, अच्छा अल्टीमेटली इसको देना क्या है, हमें वाइट देना है, तो क्यों ना बीजी प्राइमरी से इसको बीजी वाइट ही कर दो, है ना, क्यों देना तो हमें वाइट ही है। सो मैं इसको वाइट ही दे देता हूँ, ये लो वाइट हो गया। तो ऑलमोस्ट हमारा क्या है वैसा कि वैसा आउटपुट आने लग जाएगा। इसको भी वाइट देना है तो वार्निंग की जगह मैं इसको भी क्या दे देता हूँ, वाइट दे देते हैं, ये भी वाइट हो गया अब, है ना, ये वाइट हो गया। और इसकी बॉर्डर आ रही है तो अगेन ये बॉर्डर मैंने इसको भी दे दी, और ये TBDR में यहां से हटा दूं अभी के लिए, ठीक है ना। तो हल्की हल्की सी ये जो है ये आ जाएगी, तो ये धीरे धीरे ये बॉर्डरें हटती चलेंगी ना, तो आपको एग्जैक्टली वैसे ही आउटपुट आपको दिखाई देगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये शॉप नाउ का बटन है, तो इसके अंदर मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, एक बटन लेता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ शॉप, शॉप नाउ मैंने लिखा शॉप नाउ। और गौर से देखें कि यहाँ पर बटन थोड़ा छोटा है, ये बटन्स बड़े थे ये थोड़ा छोटा है, तो यहाँ पर आप बटन में जाइएगा, बटन की साइजिंग पे आपको जाना है। सो कंपोनेंट में गए, बटन्स में गए और बटन की साइज पे जाना, ठीक है ना। तो यहाँ नीचे गए साइज, लार्ज बटन स्मॉल बटन, तो छोटा बटन बनाने के लिए सिर्फ एक ही क्लास देनी है आपको, कौन सी, BTN-SM। तो ये तीन क्लासेस तो मैंने ले ही ली, यहाँ से मैं लिखूंगा क्लास नेम और यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूंगा प्राइमरी की जगह। अभी के लिए मैं क्या कर देता हूँ, वार्निंग दे देते हैं क्योंकि हमें वो चाहिए वही बेसिकली। सो शॉप नाउ देखो छोटा बटन हो गया, इसके कंपैरिजन में ये थोड़ा छोटा है, ठीक है ना। और दूसरा जो है कि ये एलिमेंट जो है यहाँ पर राइट साइड में फ्लोट कर रहा है, ठीक है ना, ये राइट साइड में आ रहा है, तो राइट साइड में खिसकाने के लिए आप क्या दे सकते हो, फ्लोट डैश एंड दे सकते हो। एंड का मतलब राइट और स्टार्ट का मतलब लेफ्ट, ये हमेशा ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखना ये राइट साइड में आ रहा है, अब ये नीचे की ओर आ रहा है ना, तो नीचे की ओर आ रहा है तो इसका मतलब ऊपर कोई एलिमेंट आ रहा होगा, ये ऊपर कोई एलिमेंट आ रहा होगा तभी तो वो नीचे की ओर उसको पुश कर रहा होगा एलिमेंट, ठीक है ना। सो ये आप ऐसे ले सकते हो इसको, इतना है और ये दो पार्ट हैं इसके, ये पहला पार्ट ये हो गया, दूसरा पार्ट ये हो गया, ठीक है ना। सो ऐसे ले सकते हो आप इसको। सो इसको हम है ऐसे करते हैं कि ये पहला पार्ट है, ये पहला पार्ट आपका ये हो गया, दूसरा पार्ट आपका ये है और तीसरा पार्ट आपका ये है, तो ये हमारे जो है बेसिकली फ्लोट करने लग जाएंगे। सो जो इसका जो दूसरा पार्ट है ये भी हम ले लेते हैं, ठीक है ना। सो ये हमने लिया यहाँ पर, ये क्या है, एक्टिव ले लो यहाँ से। सो यहाँ पर मैं क्लास नेम दिया और यहाँ पर ये स्टार्स हम बना लेते हैं, ठीक है ना। अब ये स्टार्स क्या है, बेसिकली ये हमारे फॉन्टोसम है, ठीक
ठीक है ना। सो फॉन्ट ऑसम यहाँ पर आप ले लो। यहाँ पर मैं लिखा फॉन्ट ऑसम, आइकॉन लिखा, कर्ली ब्रेसेस लगाया, सेल्फ क्लोज किया, और यहाँ पर ऊपर ऊपर जाके आपको फा यूज करना पड़ेगा, है ना। तो फा मतलब फॉन्ट ऑसम, और यहाँ पर मुझे लेना है स्टार, लिखें फा स्टार, ठीक है। इसी को कॉपी किया फा स्टार को, नीचे गए और जहां पर हम ले रहे थे उसको वहीं पर वापस से ले लेते हैं। शॉप नाउ, और ये फॉन्ट ऑसम और आइकन मैंने 5 स्टार दे दिया। सेव किया, आउटपुट देखें क्या हो रहा है, रिफ्रेश किया, आ गया पहला स्टार। पहला स्टार ब्लैक में आ रहा है, तो ऑरेंज में लाने के लिए आप उसको क्लास दे दें। तो यहाँ पर आपको देना पड़ेगा टेक्स्ट डैश वार्निंग देना पड़ेगा। जैसे दो चीजें कलर देने के लिए, दो चीजें हैं, एक तो बीजी और एक टेक्स्ट। अगर फॉन्ट है तो टेक्स्ट डैश प्राइमरी, टेक्स्ट डैश डेंजर, टेक्स्ट डैश वार्निंग, ऐसे आप दोगे। और आपको पूरा कलर उसका बैकग्राउंड फिल करना है तो बीजी आपको लिखना पड़ेगा। सो दोनों में डिफरेंस बता देता हूँ। पहले तो मैं क्या लिख रहा हूँ, टेक्स्ट डैश वार्निंग लिख रहा हूँ, तो देखो वार्निंग से ऐसा आया। अगर टेक्स्ट डैश वार्निंग की जगह मैं बीजी डैश वार्निंग लिखूं तो देखना क्या होता है, वो बैकग्राउंड का कलर उसने कर दिया, फॉन्ट का कलर चेंज नहीं किया। फॉन्ट का कलर अगर चेंज करना है तो आपको देना क्या पड़ेगा, टेक्स्ट डैश वार्निंग देना पड़ेगा, ठीक है ना। सो टेक्स्ट डैश वार्निंग, कितने स्टार हैं, 1 2 3 4, 4 स्टार हैं और 1 स्टार जो है व्हाइट कलर का है। सो 4 स्टार दे देते हैं यहां पर। इसी लाइन को मैं कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो प्रेस करता हूं, ये 4 स्टार मैंने दे दिए हैं, मैंने डुप्लीकेट बना दिए हैं। शिफ्ट अल्ट और डाउन एरो प्रेस करते हो चलो तो आपके ये स्टार्स बन जाएंगे। अब 1 स्टार आपको जो है थोड़ा आउटलाइन वाला चाहिए, तो जाके देख लेते हैं क्या फा के अंदर और स्टार किस टाइप के हैं। तो आप जाके यहाँ पर डायरेक्टली सिर्फ फा लिखना और स्टार लिखना, STAR लिखना, तो यहाँ पर ये देखो कितने प्रकार के स्टार अवेलेबल हैं फा के अंदर जो आप फ्री वाला यूज कर रहे हैं। आप ध्यान रखिएगा, आप फॉन्ट ऑसम प्रो यूज नहीं कर रहे हैं, आप नॉर्मल वाला यूज कर रहे हैं, तो नॉर्मल वाले में जो है वो आपके पास लिमिटेड है। तो यहाँ पर आप देखिए स्टार ऑफ डेविड, स्टार हाफ, स्टार स्टार हाफ एंड क्रिसेंट, ये मैं करके देखता हूं एक पे कि इसका क्या है, हो रहा है, ठीक है ना। और ये इसको मैं कोलैप्स कर देता हूं, यहां पर जाके जो है आपको एक और ये किया मैंने, और अगले वाले पर मैंने फा स्टार एंड क्रेसेंट, है ना। सो ये हमने लिखा, ये होता क्या है नहीं पता, तो आप जाके आप देख सकते हो। ये तो कुछ ऐसा पाकिस्तान का झंडा टाइप सा आ गया है, तो डेफिनेटली ये हमें नहीं लेना है, हमें तो नॉर्मल वाला ही लेना है। आप डायरेक्टली 5 स्टार ही लिखना। सो 5 स्टार मैंने लिखा, नॉर्मल स्टार बना देते हैं और व्हाइट की जगह उसको व्हाइट दे देंगे। ये आ रहा है, और इसको मैं टेक्स्ट वार्निंग की जगह में दे दूंगा टेक्स्ट टेक्स्ट वाइट दे दूंगा, है ना, टेक्स्ट वाइट, टेक्स्ट डैश वाइट दिया। आई थिंक वो दिखाई नहीं देगा, तो इसको बॉर्डर देके देखते हैं कि बॉर्डर देने से क्या होता है, क्या कुछ पता चल रहा है क्या बॉर्डर देने से। हाँ, बॉर्डर देने से बॉर्डर तो आ रही है, मगर उसका वो वाला आउटलाइन वाला शेप नहीं आ पा रहा है। तो हमें थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा कि इस पर ये आएगा कैसे, ठीक है, ये हमें थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा। तो अभी के लिए इतना मान लेते हैं कि ठीक है, ये डन हो गया है, और इसके जस्ट बाद कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, तो डेफिनेटली इसके कुछ जस्ट बाद जो नंबर लिखे हुए हैं मैं यहीं पर लिख देता हूँ। आगे चल के इन नंबर को मुझे डायनेमिक भी करना पड़ेगा, इसलिए इस नंबर को किसी न किसी एलिमेंट में लेना पड़ेगा, और हमारे लिए सबसे बेस्ट है कि हम स्पान ले, है ना, क्योंकि ये जब आप इसको डायनेमिक करोगे तब आपको ये 21 की वैल्यू कभी 0 होगी तो कभी 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, ऐसे वैल्यू बढ़ेगी, तो आपको इस 21 वैल्यू को किसी न किसी कंटेनर एलिमेंट के अंदर लेना पड़ेगा। मैं अभी कंटेनर एलिमेंट के अंदर मैं ले लेता हूँ, और इसको आप जो है यहीं से मैं अभी इसको क्लास नेम दे देता हूँ, क्योंकि बाद में भी मुझे जरूरत पड़ेगी सही, और मैंने बोल दिया इसका इसको मैं बोल देता हूँ रेटिंग काउंट, है ना, रेटिंग काउंट है ये बेसिकली, इसको तो मैं रेटिंग काउंट दे देता हूँ। और सेव किया, आउटपुट देखें आप, 21 आ रहा है, परफेक्ट आ रहा है। अब एक को मैंने फ्लोट एंड किया है, एक को फ्लोट एंड किया है,
तो इस बटन का जो सिबलिंग है, जो कंटेनर सिबलिंग है, उसको मैं क्या बोलूंगा, फ्लोट स्टार्ट। तो हमेशा होना चाहिए, एक को फ्लोट एंड बोला तो दूसरे को फ्लोट स्टार्ट बोलेंगे, तब जाके ये एक लाइन में आएंगे। ये देखो अब दोनों एक लाइन में आने लग गए। पहले पहले सिर्फ इसी को बोला था मैंने फ्लोट एंड, तो एक नीचे जा रहा था एक ऊपर जा रहा था। दोनों को आप बोलो, एक को फ्लोट एंड बोला है तो दूसरे को फ्लोट स्टार्ट बोलो, एक को फ्लोट राइट बोला है तो दूसरे को फ्लोट लेफ्ट बोलो। बूटस्ट्रैप 5 में वर्क कर रहे हो तो आपको सिर्फ स्टार्ट और एंड ही काम करेगा, फ्लोट स्टार्ट और फ्लोट एंड ही काम करेगा बूटस्ट्रैप 5 के अंदर, ठीक है ना। सो ये आपने किया तो देखिए आमने सामने आ गए हैं, यहाँ पर भी हमारे पास कुछ ऐसा ही हो रहा है, और इसी के अंदर जो है आप इनकी वैल्यूज आप दे सकते हैं। तो यहाँ पर जो है मैं अगेन एक और डिव ले लेता हूँ, और उस डिव के अंदर ये जो नीचे प्राइसिंग प्राइसिंग लिखे हुए हैं, सो फॉर एग्जांपल ये अभी मैं डॉलर लिख देता हूँ 1900, और है ना जो भी है अभी के लिए मैं कुछ ऐसा ही लिख देता हूँ, पर बाद में हम चेंज उसको कर लेंगे .00। एंड इसको जो है ये प्राइम का लोगो जो है वो शायद कहीं से अगर हमें न्यू टैब में प्राइम का लोगो मिल जाए तो वो हम कर सकते हैं। नहीं आ रहा है, छोड़ो उसको, रिफ्रेश किया और आउटपुट देखो तो ये देखो ये आ रहा है। अब इन दोनों को मुझे नीचे खिसकाना है, तो ऊपर वाले एलिमेंट पे वैसे भी हम अगर उनको लेंगे तो वो हो जाएगा हमारा काम। सो इन दोनों के ये फ्लोट स्टार्ट, इसको मैंने कोलैप्स किया, ठीक है ना। सो इसको आप कोलैप्स करें, यहां से ये मैंने कोलैप्स किया, और ये बटन है, ये दोनों फ्लोट हो रहे हैं, और इससे ऊपर मैं एक एलिमेंट लेता हूं, और ये एलिमेंट मुझे कितना लेना है, ये लगभग मुझे एलिमेंट है ये टाइटल के समेत जो है लगभग इतना हमें लेना पड़ेगा, लगभग इतना लेना पड़ेगा, जिसमें लगभग जो है 175 के अप्रोक्सीमेटली मुझे इसका हाइट लेना पड़ेगा। सो डिव गया, इसको मैंने क्लास नेम दिया, सो डिव गया, यहाँ पर मैं स्टाइल ले लेता हूँ, इसको अंदर मैं ए लिख देता हूँ, स्टाइल इक्वल्स टू डबल कर्ली ब्रेसेस के अंदर स्ट्रिंग के अंदर मैं लिखूँ हाइट, लिखूँ वैल्यू दिया मैंने, और वैल्यू मैंने 170 लिखा, कंकैटिनेट किया स्ट्रिंग को, और मैंने पिक्सल लिखा। तो आई थिंक ए का जो हाइट है वो हमारे पास अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा, ये देखो। और इसको कलर वलर देना है तो कलर वलर दे दो, आपको अभी पता चल जाएगा कि क्या चल रहा है। क्लास नेम दिया, और इसको बीजी दे दो, बीजी डैश कुछ भी कलर दे सकते हो, जैसे मैंने दे दिया बीजी सक्सेस, तो थोड़ा बहुत कुछ पता चलेगा कि कलर आ रहा होगा, तो पता चलेगा कि हाँ ये कहाँ तक बन रहा है, ठीक है ना। सब कुछ सही है, मगर बाहर वाले से वो गैप नहीं आ पा रहा है। तो बाहर वाला ये कंटेनर रहा, इसको इक्वल गैप देना है, तो मैं P3 दे देता हूँ, चारों तरफ से इक्वल इक्वल गैप सबका आ जाएगा, ये देखो परफेक्ट। क्योंकि ऊपर वाले को कितना दे रखा था, ऊपर वाले को कितना दे रखा था, P3 दे रखा था, तो इस वाले को भी मैं P3 दे दूं, ताकि इक्वल इक्वल गैप आ जाए हमारे पास। और दूसरा है कि इस वाले के वो नीचे की ओर थोड़ा सा पुश कर रहा है, तो ये इसको मैं मार्जिन बॉटम मैंने 2 दे दिया, है ना, मार्जिन बॉटम 2 दे दिया, तो ये थोड़ा सा नीचे की ओर पुश कर देगा एलिमेंट, ये थोड़ा सा, तो गैप होना चाहिए। कभी भी कंटेंट कंटेंट के टच नहीं होना चाहिए, बॉर्डर बॉर्डर के टच नहीं होना चाहिए, गैप होना चाहिए। डिस्टेंस देखो चारों तरफ का, सबका इक्वल इक्वल बराबर डिस्टेंस लग रहा है, क्योंकि पहली चीज अगर बैलेंस होगा आपके डिजाइन में, डिस्टेंस होगी, तो वैसे ही जो बनेगा आउटपुट वो दिखने में अच्छा लगेगा। और आपने डिस्टेंस का ध्यान नहीं रखा, बैलेंस का ध्यान नहीं रखा, तो वो आप बाद में जब उसके ये सारे कलर हटा के ओरिजिनल भी आप करोगे, तब भी वो देखने में उतना रियलिस्टिक, उतना एक्यूरेट नहीं लगेगा। सो ये आपने इसको यहाँ से बना लिया है, अब आप चाहें तो ये इमेज ले लेवे, सो इमेज आप ले सकते हैं, और इसी के अंदर मैं टाइटल ले लेता हूँ। सो ये एक इमेज है और दूसरा टाइटल है, ये IMG मैंने लिया, और टाइटल जो है यहाँ पर आपको टाइटल जो है वो एक पैराग्राफ आप ले लेवे, शायद ये पैराग्राफ या हेडिंग ले लेवे बेटर है, कि मैं H6 ले लेता हूँ यहाँ पर, है ना, H6 ले लेते हैं, और H6 के अंदर ये टेक्नो जो भी लिखा हुआ है, थोड़ा सा यहाँ पर मैं जाके इसकी जो एक्चुअल वैल्यूज हैं वो ले लेता हूँ मैं। सो जो भी हमें लिखना है तो हमें थोड़ा बहुत पता चलेगा कि हमें क्या करने जा रहे हैं, ठीक है ना। सो 4GB रैम तक आ रहा है, 4GB रैम तक आ रहा है, सो ये मैंने कॉपी किया और इस S6 के अंदर किया।
और एस आर सी यहाँ पर लिखा, और अभी के लिए जो है मैं इसी को इंस्पेक्ट एलिमेंट करके यहाँ इंस्पेक्ट एलिमेंट किया, और अभी के लिए मैं इमेज नहीं ला रहा हूँ, तो मैं डायरेक्टली इस इमेज को जो है ये वाली वैल्यू हम उठा लेते हैं यहाँ से, ठीक है ना, ये वैल्यू मैंने उठाई, तो देख लेते हैं ये वाली वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही। तो यही वैल्यू आप जो है अपने कोड के अंदर पेस्ट कर दें अभी के लिए टेस्टिंग के लिए, बाद में हम हटा देंगे इसको। यहाँ पर गए, रिफ्रेश किया, इमेज आई नहीं है क्योंकि लोड हो रही है, और बेटर है देख लेते हैं कि इसके अंदर आ क्या रहा है, शायद इंटरनेट काम नहीं कर रहा है इसलिए जो है इतना टाइम लगा रहा है। ये तो हो जाएगा इस तरीके से, इसको बंद किया, ठीक है। ऑलमोस्ट ये वाला पार्ट भी हमारा हो गया है, ठीक है ना, तो जैसे ही लोड हो रहा है तो हम ये देख लेंगे। अब इसके अंदर और क्या क्या है बेसिकली, ये वाला पार्ट आई थिंक मैंने कौन सा बना रखा था, 2222, और ये वाला पार्ट है, ये वही पार्ट है, ठीक है ना, यही पार्ट है। और उसके ऊपर जो है बड़ा सा बटन ले रखा है इन्होंने, जो लास्ट पार्ट है उससे पहले भी ये वाला ग्रे वाला पार्ट हम बना लेते हैं। ये देखिए ये ग्रे वाला पार्ट, क्योंकि ये वाला हमने यहाँ पर इसको डिजाइन कर रखा है, मगर इससे ऊपर वाला जो पार्ट है ये वाला नहीं है, तो आप ये इसको देख लो एक बार, ये क्या है, ये लगभग जो आ रहा है आपका 453 पिक्सल का एक बॉक्स आ रहा है। आप ड्रॉप डाउन करो, बिल्कुल ड्रॉप डाउन में चले जाओ फुटर, और आप अपने इसमें देखना कि आपने इसको क्या दे रखा है, तो आपने डायरेक्टली फुटर को टारगेट किया हुआ है। तो मुझे लगता है कि फुटर सिर्फ यही फुटर नहीं है, फुटर तो ये सब कुछ है, ठीक है ना, तो आपको जो है आपको इस फुटर का हाइट ऑलमोस्ट जो है अभी हमने कितना ले रखा है वो हमें देखना पड़ेगा। यहाँ पर गए वो फुटर फाइंड करो, आप देखो फुटर अभी हमने 227 ले रखा है, जो कि सिर्फ इतना ही हमने कंसिडर किया हुआ है, तो 227 में आप जो है इतना और ऐड कर लेवे ये, और हमारा फुटर होगा बेसिकली। ये और हम फुटर इसको माने, 252, 452, सो 452 प्लस हमारा ऑलरेडी फुटर कितना आ रहा है, 227 आ रहा है, सो 227, सो 680। सो यहाँ पर मैं फुटर का ले लेता हूँ 680 ले लेते हैं, 680 पिक्सल में यहाँ पर फुटर लिया, और यहाँ पर देखते हैं क्या होता है। ये देखिए फुटर का हमने जो है ऑलरेडी इतना बड़ा फुटर ले लिया है अपने अकॉर्डिंग। अब जो है इसका जो फर्स्ट पार्ट है तो ये कितने का लेना है हमें, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि हमें जो है अभी हमने पता किया था कि हमें लगभग 452 पिक्सल का लेना है, तो इसको बोलूंगा फुटर टॉप, तो इसको बोलूंगा फुटर बॉटम। दो पार्टीशंस हम बना लेते हैं अपने फुटर के अंदर, फुटर के अंदर जाओ दो डिव ले लो, दो डिव लिए मैंने, ठीक है ना, क्लास नेम दिया और क्लास नेम दे दिया ए अंडरस्कोर फुटर टॉप, ठीक है ना, और इसको ए बोला, और इसी को मैं डुप्लीकेट कर देता हूँ, तो इसको मैं बोल देता हूँ फुटर बॉटम, इसको टारगेट कर लो, इसको टारगेट किया, यहाँ पर गए इसी के पड़ोस में, फुटर के पड़ोस में ही आप यहाँ पर इसको टारगेट कर लेना। इसके डायमेंशन आपको अच्छी तरीके से पता है, हाइट कितना देना है, 452 पिक्सल आपको देना है, तो 452 पिक्सल आपने दिया, और आपको जो है बैकग्राउंड कलर जो है आपको बैकग्राउंड कलर हैश
और आपको कलर नहीं पता है तो फोटोशॉप से जाके आप इसके फुटर में चले जाना। ये फुटर में गए और यहाँ से आई प्रेस करना, आई ड्रॉपर टूल, ये इस पर क्लिक करना। यहाँ पर गए और ये इसका हेक्स वैल्यू जो है कलर का, ये आपको लेना है और फुटर के इस पे टारगेट कर देना। तो देखिए ये एक पार्ट तो हमारा हो रहा है, तो मैं आपको ये बता दूं, यहाँ पर ये मैंने रिफ्रेश किया, यहाँ पर गए और रिफ्रेश करेंगे अगेन, तो ये देखिए ये बना और दूसरे पार्ट ये आ रहा है। तो हम ऐसा करते हैं कि फुटर का कलर हटा देंगे, फुटर बॉटम का कलर दे देंगे। तो फुटर बॉटम अभी हमारे पास कितना आ रहा है, फुटर बॉटम जो है हमारे पास जो है कितना आ रहा था, सो हमारे पास इसको भी हम टारगेट कर लेते हैं, ए अंडरस्कोर, यहाँ पर हम टारगेट कर लेते हैं डॉट ए अंडरस्कोर फुटर टॉप की जगह यहाँ पर लिखूंगा फुटर बॉटम, और यहाँ पर मैं हाइट दे दूंगा, और हाइट मैंने दिया हाइट जो है मैं यहाँ पर 227 था शायद। आप फोटोशॉप में जाके एग्जैक्टली हाइट भी यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो वापस आप नीचे जाएं और एम प्रेस किया, और यहाँ तो कोई हाइट ही नहीं आ रही है, बट फिर भी वहां से 227 थी, तो मैं यहाँ पर 227 अभी लिख रहा हूँ, 227 यहाँ पर लिखा मैंने, 227 पिक्सल, और यहाँ पर अगेन मैं बैकग्राउंड यहाँ पर लिखा मैंने और हैश, और आई थिंक यही कलर है, कॉपी किया पेस्ट किया, है ना, ये दोनों हमारे कंप्लीट हैं। तो ये देखते हैं हम यहाँ से आउटपुट, यहाँ से आउटपुट हमारे दोनों ही कंप्लीट हो रहे हैं, ये देखिए दोनों ही आउटपुट कंप्लीट हो रहे हैं। तो एक रूल मैं आपको बता दूं, एक नियम हमेशा ध्यान रखना कि जब भी चिल्ड्रन को आप हाइट बैकग्राउंड कलर ब्लॉकिंग कर देवे तब पेरेंट का हाइट हटा देना है। जब भी चिल्ड्रंस को हाइट मिल जाए तो पेरेंट की हाइट हटा देनी है। तो चिल्ड्रन दो ही थे, हेडर टॉप और हेडर बॉटम थे, उनको हाइट दे दिया, उन दोनों का एडिशन मेरा पेरेंट के बराबर आ रहा था, तो पेरेंट का जो मैंने हाइट दे रखी थी वो हटा देंगे। इससे होगा क्या, इन फ्यूचर पेरेंट अगर छोटे बड़े हो, चिल्ड्रंस की हाइट अगर कम ज्यादा होती भी सही है तो पेरेंट उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये ऑलमोस्ट इसका कलर देने का भी कोई मतलब रहा नहीं है फुटर का, सिर्फ ज्यादा से ज्यादा आप उसकी पेरेंट की आप बॉर्डर दे दो ताकि आपको एटलीस्ट पता चले कि हाँ पेरेंट कहाँ तक जा रहा है। तो ये देखिए ये ऑलमोस्ट हो गया है, ये हो गया है हमारा। इसमें अब आप देखें कि ये एक एचआर आ रही है, हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही है, तो इसको हम ये मान सकते हैं कि जो है एक नेविगेशन हमें लेना पड़ेगा। पहले तो हम ग्रिड बना लेते हैं, 1 2 3 4, चार कॉलम्स चाहिए मुझे, तो चार कॉलम्स आप ले लेवे इसके अंदर, ए के अंदर चार कॉलम आपको लेना पड़ेगा, और ये चार कॉलम लेते हैं। तो सबसे पहले तो आप चार कॉलम ले लें, तो ये डिव लिया मैंने यहाँ पर, ये रो दिया, और क्लास नेम यहाँ पर दे दो आप कॉल, है ना। तो ये कॉल कितना है, 1 2 3 4, तो 3 3 हमें देना पड़ेगा, 3 3 3 और 3, इन तीनों का चारों का जब आप ऐड करेंगे आपको मिलेंगे 12। सो कॉल डैश 3, यहाँ पर कॉल डैश 3 दिया, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ए, और इसी का मैं डुप्लीकेट करता हूँ चार बार, है ना, ठीक है ना। तो आप समझ जाना कि ये ब्लॉकिंग कुछ इस तरीके से हो रही है। तो आई थिंक ये देखिए कलर आ रहा है, ठीक है ना, ये कलर्स आ रहे हैं, मगर ये क्या अभी फुल चले गए हैं, तो हमें फुल नहीं जाना है, हमें तो उनको थोड़ा अंदर की ओर करना था। इसलिए बेटर है कि इस रो को एक कंटेनर के अंदर लिया जाए। तो कंटेनर दो प्रकार के ही हैं हमारे पास, एक तो है कंटेनर और दूसरा है कंटेनर फ्लूड। कंटेनर फ्लूड 100% जाता है मगर कंटेनर नहीं जाता है, ठीक है ना। तो कंटेनर के अंदर आप जाके किसको लेवें, इस रो को लेवें, ठीक है ना। तो वीडियो की सीरीज जब स्टार्ट हुई थी तो मैंने आपको बूटस्ट्रैप के कंटेनर्स के बारे में बताया था। कंटेनर दो प्रकार के होते हैं, एक तो कंटेनर होता है और एक कंटेनर फ्लूड होता है। तो उसको आप जो है यहाँ से जाके ये लेआउट सेक्शन में ये कंटेनर्स पे जाके आप देख सकते हो, ये स्टार्टिंग में है ना। सो कंटेनर्स दो ही प्रकार के हैं, एक तो कंटेनर है ना, और एक कंटेनर फ्लूड है। तो कंटेनर फ्लूड 100% जाता है और कंटेनर जो है वो लेफ्ट राइट में थोड़ा थोड़ा गैप दे देता है। सो यहाँ पर देखना, ये देखो ये थोड़ा बहुत तो गैप आ गया है, ये देखो
है ना। तो यहाँ पर थोड़ा गैप है, थोड़ा यहाँ गैप है, तो ऑलमोस्ट हमारा जो है यहाँ पर गैप आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है ना। तो एटलीस्ट हम काम कर सकते हैं थोड़ा बहुत, बाकी एडजस्टमेंट, ये गैप कम देना है ज्यादा देना है ये भी हम सीएसएस से कंट्रोल कर लेंगे, बट इनिशियली एक हमारी बूस्टर की एक क्लास देने से हमारा मैक्सिमम काम हो गया है। ठीक है, तो और स्ट्रक्चर बिल्कुल एक्यूरेट हमने ले रखा है। अब जाके आप फटाफट ये जो है ये आप ले, तो ये सारे क्या है मेरे जो है वर्टिकल नेविगेशन है। तो बूटस्ट्रैप में आप जाइए, यहां पर आप लिखें नैव और यहां पर नैव पे जाना है। ठीक है, इसको हम कल कंटिन्यू करते हैं। इस वीडियो को मैं जो है गिटहब पे पुश कर देता हूं, टर्मिनल पे जाता हूं, कंट्रोल एल प्रेस किया और यहां पर हम देखते हैं कि इससे पहले मैंने कितने कमिट किए थे, क्या कमिट दिया था लास्ट कमिट का। तो उसको चेक करने के लिए आप गिट लॉग करें और गिट लॉग में आप देखना लास्ट कमिट वीडियो 16 था। मैं इसको कॉपी कर लेता हूं यहां पर और इसी को मैं चेंज कर दूंगा बाद में। यहां पर आप क्यू प्रेस करना, बाहर निकलोगे, वापस से कंट्रोल एल प्रेस करना है एंड देन सबसे पहले स्टेज होता है, आप स्टेज करें, फिर कॉमिट करें, कॉमिट डैश एम, और यहां से मैंने उस कॉमिट को पेस्ट किया। 16 से ये वीडियो बन रहा है हमारा, 17 बन रहा है, और इस 17 वीडियो में हमने क्या क्या काम किया है वो हम थोड़ा मेंशन कर देंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा है थोड़ा फुटर एंड मेन मेन वर्क इन प्रोग्रेस, है ना, वर्क इन प्रोग्रेस। थोड़ा सा ये हम हिंट दे देंगे और इसको मैं गेट पर पुश कर देता हूँ। सो गेट पुश ओरिजिन मास्टर, ठीक है, थैंक यू।